गोली मारकर युवक की हत्या, दिन दहाड़े कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिला में अपराधियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अपराधी हथियार लहराते हुए थाने में किया सरेंडर। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मृतक के परिजन ने बताया कि मृत युवक होटल में नाश्ता करने गया था। अपराधी होटल में घुसकर दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कथैया थाना के महज 400 मीटर की दूरी पर ठिकहा बाजार पर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है और बेखौफ होकर अपराधी ने खुद को थाने में सरेंडर किया। लोगों ने बताया कि अपने एक दोस्त के साथ अमित कुमार नाश्ता करने ठिकहा बाजार आया था। इसी बीच गांव का ही विशाल कुमार हथियार से लैस होकर होटल में घुसा और अचानक से अमित के ऊपर गोली दागते हुए मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने के बाद अमित को अस्पताल लोग लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने अमित को मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने हत्या के विरोध में मोतीपुर टू सरैया मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क जाम करते हुए आगजनी किया और घटना स्थल पर पुलिस पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। मृतक के परिजन ने बताया कि अपराधी विशाल कुमार खुलेआम हथियार लहराते हुए 3 दिन पहले मृतक के घर पर आकर अमित को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था, जिसकी लिखित शिकायत 29 नवंबर को थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपराधी का हौसला बुलंदी पर चढ़ गया और बेखौफ होकर अमित कुमार की गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया। मृतक के परिजन ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही अमित की हत्या की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कब हुआ है ये बाजार पर लोग है ना, पूछ लीजिए 5 बजे के किस पहले हुआ है। 5 बजे हुआ। 3 दिन पहले किस लिए विवाद हुआ है? विवाद हुआ है ये, जबकि मेरा बच्चा दुकान से आ रहा था, वो ने बैठा था इसे पीके, हाँ पीने के बाद में ये गया आ रहा था, तो चाल कर लिया, तो कोई भी चाल करेगा तो आ जाएगा, तो ये बोला क्या कि जाओ बम के भेज दो फरियाना है। हम कह रहे क्या फरियाना है भाई, हमने स्नान कर रहा था, वहाँ से गए फिर कहे कि अरे तू स्नान क्या मेरा बेटा के बोला है, तो कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं, तो मेरा क्या छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, वो कह के चला है। आने के बाद में वो कह के 5 मिनट के अंदर में घर गया और बाजार से 2 गो का, एक गो कट्टा हाथ में, एक गो कट्टा यहाँ खोस लिया और खोस के और हथियार एक बार हाथे लेकर और मेरे दरवाजे के सामने आ गया। देखिए ये भी अगला सामने है, देखने वाला है, ये भी अगला देखने वाला है। थाना पर इसका सूचना नहीं थी? थाना पर सूचना भी दिया था बड़ा बाबू साहब के, कब ये बेर 11 बजे भी 11 बजे सूचना दिया हूँ, कैसा सा बात है, वो भी घूम रहा है लेकर सामान लेके, कोई गारंटी नहीं कि मेरे पास हमला होगा। वो सरते भी बोले कि ठीक है जाओ हम आते हैं, क्योंकि अभी तक ले नहीं गया, इसका मतलब पैसा लेकर सारा काम थाना मरवाया है। ये गोली कहाँ पर मरा है? मरा है ये चौक पर, नाश्ता करने के भैया दहीने साइड यहाँ गोली लगा है। यहाँ आपका लड़का क्या कर रहा है? यहाँ मार्केट से हम लोग हरदी से आ रहे थे, इसको आगे भेज दिया, ये कहा कि मिठाई के ऑर्डर देना था, मिठाई के ऑर्डर यही था, वो नाश्ता के लिए पैक के लिए हुआ कि इतना इतना देना है, जब तक बैठ पीछे से गोली मार दिया। मेरा बेटी का बारात है परसों, सुनिए ना अब क्या कर रहा है, मेरे बेटी के बारात के चलते नाश्ता के लिए पैसा यहाँ मतलब देने के लिए आया था ऑर्डर। अभी आप सड़क जाम के हुए हैं, क्या मांग है आप? मेरा मांग वही है कि मेरा जैसा बेटा मर गया वैसे मेरा जो दुश्मन है उसका पूरा खानदान मरना चाहिए, वही बात है मेरा और कुछ नहीं। बड़ी अधिकारी की मांग कर रहे हैं आने का? बड़ी अधिकारी आवे, बड़ा अधिकारी आवे, उनके से यही मांग करना है, बस बड़ा अधिकारी से यही सूचना है कि जैसे मेरा बेटा मरा गया वैसे उनका भी शमशान जलेगा,